अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं गार्लिक पराठा। तो चलें जी, आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये आटा है, ये हमने ले लिए हैं 2 जवे लहसुन के, इनको हमने क्रश किया है। ये थोड़ा सा नमक है, 1 चुटकी नमक है और 1 चुटकी काली मिर्च है। ये थोड़ा सा धनिया है। चलें अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पराठा कैसे बनाना है? गार्लिक पराठा है जो सेहत के लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमने रोटी को बेल लिया है। ये बनेगा गार्लिक चौरस पराठा, ठीक है? अब हम इसके ऊपर ये सारी चीज़ें लगाएंगे। देखें आप कैसे लगानी है। पहले हमने रोटी को बेल लिया है, अब हम इसके ऊपर ये चीज़ें लगाने लगे हैं। ये साथ थोड़ा सा घी जाएगा। पराठा बनाने के लिए हम घी का इस्तेमाल करेंगे, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ऑयल इस्तेमाल करने से पराठे में वो टेस्ट नहीं आता जो घी से आता है, और पराठा बनता भी घी से ही है ज़्यादा अच्छा। अब आप देख रहे हैं ये सब कुछ कैसे इसके ऊपर ही लग रहा है। आधा चम्मच हमने घी भी डाल लिया था इसमें। ये कितने अच्छे से इसके ऊपर ही लग रहा है। अब हम इसको चौरस पराठे की शक्ल देंगे। कैसे हमने इसको बनाना है ये देखें आप। इसकी तहें अच्छी आएंगी, बहुत ज़्यादा मज़े का ये बनेगा। ये देखें, ये लगाने के बाद फिर थोड़ा सा जो बच गया था वो इसके ऊपर ही लगा दें। ये थोड़ा सा सूखा आटा इसके ऊपर ही लगाएंगे, बिल्कुल हल्का सा। ये देखें, ये हमारे चौरस पराठे का बन गया है। इस तरह अब इसको बेलना है। ये देखें, अब हम इसको बेलने लगे हैं। उसे थोड़ा सा ऐसे कर लेंगे पहले, ताकि आसानी से ये बेला जाए और इसकी शेप जो है वो चौरस ही रहे। इसकी शेप ऐसे बहुत अच्छी आएगी। ये देखें, ऐसे पहले हाथों से करना है। अब हम इसको बेलना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, अब हम इसको अच्छे से बेल लेते हैं। ये देखें, हमने इसको अच्छे से बेल लिया है। ये मोटी बिल्कुल भी नहीं है। ये देखें, अब हम इसको पकाने लगे हैं। ये देखें, इसको हमने तवे पे ढाला है। ये कितना मज़े का लग रहा है अभी से। अब हम इसके ऊपर घी लगाएंगे। ये देखें, इसको हम दरमियानी आंच पे पकाएंगे। इसकी लुक कितनी अच्छे से आ रही है। ये पकना स्टार्ट हो गया है। इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है, अभी से आने लग गई है। ये अब क्रंची सा पराठा बन जाएगा, गार्लिक पराठा, जो खाने में बहुत हेल्दी है और बहुत टेस्टी है। चाय के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है। ये देखें कितनी अच्छी इसकी लुक है, माशाल्लाह। अभी ये पक रहा है। ये देखें, इसको अच्छे से पकाना है। ये देखें, ये कितने अच्छे से पक गया है। इसका कलर ही कितना अच्छा आ गया है, गोल्डन गोल्डन। इसमें ज़्यादा ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं है, नॉर्मल सा है जो पराठे में होना चाहिए। अब हम फ्लेम ऑफ करेंगे और इसको उतार लेंगे। ये पक गया है, देखिए माशाल्लाह से कितना टेस्टी और हेल्दी है। ये देखें, इसकी लेयर्स भी बन गई हैं। ये बहुत अच्छा पराठा है, और साथ इसमें हमने गार्लिक वाला इसको बना दिया है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा है, खाने में इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। अब आप इसको बनाएं, खाएं और इंजॉय करें, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। अब मिलेंगे एक न्यू रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।